पास तो मछली का दूगो फंस गया है, तो चलिए इसको हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं नदी में मछली पकड़ने के लिए। और नदी में मछली पकड़ने के लिए आए हैं, एक नए तरीका से मछली पकड़ने के लिए आए हैं। और मछली पकड़ने के लिए डीटीएच ले लिए हैं। आज हम डीटीएच फेंक करके देखते हैं पानी में कौन सा मछली पकड़ाता है। और डीटीएच में हम चार बंसी बांध लिए हैं, जो ये बंसी में हम आटे के बोर्ड लगाएंगे, जो मछली खाने आएगा तब फंस जाएगा। तो आज नए नए तरीका से हम डीटीएच लाए हैं पानी में फेंक करके मछली पकड़ने के लिए। और डीटीएच फेंक करके मछली पकड़ने वाला वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए डीटीएच फेंक करके देखते हैं पानी में कौन सा मछली पकड़ाता है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों डीटीएच लेकर के हम पानी के नजदीक पहुंच गए हैं, तो चलिए डीटीएच के हम नीचे में रखते हैं और थोड़ा पानी ले लेते हैं आटा के सानने के लिए। दोस्तों डीटीएच में हम चार बंसी लटका दिए हैं, यही आटा सान करके बोर्ड लगाएंगे, जो मछली खाने आएगा तब फंस जाएगा। तो चलिए हम आटा के सान लेते हैं। चलिए आटा के हम गमला में डाल लेते हैं, बोर्ड लगाने के लिए हम आटा को सान लेते हैं। दोस्तों बोर्ड लगाने के लिए हम आटा सान लिए हैं, तो चलिए चार गो हम बोर्ड बना लेते हैं। दोस्तों बंसी में लगाने के लिए हम चार गो बोर्ड बना लिए हैं, तो चलिए इसको बंसी में हम लगा देते हैं, जो मछली यही खाने आएगा तो फंस जाएगा। ये गांव देहात के नए नए तरीका है डीटीएच में मछली पकड़ने वाला। तो चारों बंसी में तो बोर्ड लगा दिए हैं, और डीटीएच में बंसी लगा करके बोर्ड लगा करके मछली पकड़ने वाला वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम डीटीएच फेंक करके देखते हैं कौन सा मछली पकड़ाता है। तो डीटीएच के हम करेरी के लिए बना लिए हैं, तो चलिए ये डीटीएच में तो रस्सी बना हुआ है, और डीटीएच के हम बीच में फेंकेंगे, बीच में सारा मछली घूमता रहता है। तो चलिए हम फेंकते हैं। दोस्तों तो डीटीएच के हम फेंक दिए हैं, और रस्सी के बांधने के लिए यही खूंटा में हम रस्सी को बांध देंगे, जो डीटीएच में मछली फंसेगा तो डीटीएच के लेकर के न भागेगा। खूंटा में रस्सी के बांध देते हैं, रस्सी के बांध दिए हैं और दो भावता लगा देते हैं। तो खूंटा में रस्सी के हम मजबूत कर करके बांध दिए हैं। तो आज चलिए आज चलते हैं, कल होकर के आएंगे। दोस्तों कल जो हम डीटीएच फेंक करके गए हैं मछली फंसने के लिए, तो आज आए हैं देखते हैं डीटीएच घींच करके कौन सा मछली फंसा है। तो चलिए सबसे पहले हम रस्सी को खोल लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे डीटीएच के घींचेंगे। दोस्तों मछली का दूगो फंस गया है, तो चलिए इसको दोस्तों एगो गोल्डन फंस गया है, एगो घास काट फंस गया है। दोस्तों डीटीएच में एगो घास काट मछली फंसा है और एगो गोल्डन मछली फंस गया है, दूगो बंसी में बोट खा करके मछली भाग गया है। चलिए आज किचन में यही घास काट और गोल्डन के रेसिपी बनेगा, तो चलिए चलते हैं अपनी किचन में।
दोस्तों नदी से मछली पकड़ करके ले आए हैं, तो चलिए बोरा पर उझिल देते हैं। दोस्तों बोरा पर मछली के उझिल दिए हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चुइया छील लेते हैं। ये गोल्डन मछली में बहुत सारा चुइया होता है, इसको हम बढ़िया से छिलनी से छील लेते हैं। दोस्तों ये गोल्डन मछली के बढ़िया से हम चुइया छील लिए हैं, तो चलिए अब घास काट मछली को हम चुइया छीलते हैं। मूरा काट लिए हैं, तो चलिए हम गमला में रखते हैं। मूरा काटला के बाद मछली जितना ही घास खेले रहता है सभी के निकाल करके साफ कर दिए हैं, तो चलिए अब छोटे छोटे टुकड़ा में हम पीस बना लेते हैं। तो चलिए अब छोटे छोटे टुकड़ा में हम पीस बना लेते हैं। दोस्तों घास काट मछली के मूरा काट करके साइड कर दिए हैं, और घास काट मछली जितना ही घास खेले रहता है, घास काट मछली घास से खाता है और घास खेले रहता है, सभी के निकाल करके हम साफ कर दिए हैं, बिल्कुल साफ है। तो चलिए आप छोटे छोटे टुकड़ा में हम पीस बना लेते हैं। आप छोटे छोटे टुकड़ा में हम पीस बना लेते हैं। दोस्तों नदी से गोल्डन और घास काट मछली पकड़ करके लाए हैं, उसको बढ़िया से सफाई को करके छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, तो चलिए पानी से बढ़िया से धो लेते हैं। पानी डाल दिए हैं, तो चलिए इसको बढ़िया से साफ कर लेते हैं। चलिए मछली धो लिए हैं, तो चलिए निकाल करके रखते हैं छिपा में। दोस्तों तो एक पानी से धो लिए हैं, तो चलिए इसको फिर से धो लेते हैं। मछली धोआ गया है, तो चलिए छिपा में रखते हैं। मछली के दो पानी से धो दिए हैं, तो मछली तो चमक रहा है, साफ लगता है, तो ये चल ये फिर से धो लेते हैं। दोस्तों बढ़िया से मछली धोआ गया है, मछली भी साफ लगता है, पानी भी साफ हो गया है, तो चलिए इसको बढ़िया से पानी गार करके छिपा में रखते हैं। दोस्तों मछली धो करके ले आए हैं, उसके लिए मसाला सब ले लिए हैं। मसाला में क्या क्या लिए हैं वो नाम बताते हैं। लाल मिर्च पाउडर है, ए हल्दी पाउडर है, ए धनिया पाउडर है, ए गोल मिर्च पाउडर है, ए पीला सरसों है, ए लहसुन है। तो चलिए सभी मसाला जो है लहसुन पेस्ट है, ये पत्थर पर तैयारी करेंगे, और पीला सरसों। दोस्तों तो पत्थर धो लिए, था चलिए सबसे पहले हम लहसुन पेस्ट पीस लेते हैं। दोस्तों लहसुन पेस्ट पीस लिए हैं, तो चलिए इसको उठा लेते हैं। इसको उठाकर साइड कर लेते हैं, उसके बाद जो है पीला सरसों पेस्ट पीस लेते हैं। पीला सरसों पीस लिए हैं, तो चलिए इसमें हम गोल मिर्च और जीरा पीस लेते हैं, और जो मसाला बचेगा वो हम बाद में डाल लेंगे सूखा मसाला। तो पीला सरसों और गोल मिर्च हम पीस लिए हैं, तो चलिए उठा लेते हैं। चलिए लहसुन पेस्ट के साइड में रख देते हैं। तो मसाला पीस लिए हैं, तो चलिए चूल्हा जोड़ लेते हैं। बस तो चूल्हा जोड़ लिए हैं, तो चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। तब तक इधर कढ़ाई गर्म हो रहा है, तब तक इधर लहसुन के हम मछली में हल्दी पाउडर डाल देते हैं। चलिए उसके बाद हम लहसुन पेस्ट डाल देते हैं, तो उसके बाद चलिए हम नमक डाल देते हैं। तो नमक डाल दिए हैं, तो चलिए बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं।
दोस्तों बढ़िया से हल्दी पाउडर नमक लहसुन पेस्ट मिक्स कर लिए हैं। तो चलिए कढ़ाई गर्म हो गया है तो चलिए सरसों तेल डाल देते हैं। दोस्तों सरसों तेल गर्म हो गया है तो चलिए मछली डालते हैं फ्राई के लिए। दोस्तों एक तरफ मछली फ्राई हो गया है तो चलिए हम लौट देते हैं। दोस्तों मछली फ्राई हो गया है तो चलिए निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल दिए हैं तो चलिए फिर से डालते हैं फ्राई के लिए। करने वाला वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मछली का मेरा फ्राई हो गया है तो चलिए निकाल लेते हैं। निकालने से पहले तेल गर्म देते हैं। दोस्तों मछली फ्राई हो गया है तो चलिए हम मसाला पहले घोर लेते हैं। सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, उसके बाद चलिए हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, उसके बाद चलिए हम धनिया पाउडर डाल देते हैं। तो चलिए सभी डाल दिए हैं तो चलिए उसके बाद हम पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिए हैं तो चलिए इसको बढ़िया से हम घोर देते हैं। मसाला घोर लिए हैं तो चलिए पीला सॉस डाल देते हैं। फोरन फूट गया है तो चलिए इसमें मसाला डाल देते हैं। इसको बढ़िया से चला देते हैं। दोस्तों मसाला बढ़िया से भुजा गया है तो चलिए इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर डाल दिए तो चलिए इसको चला देते हैं। दोस्तों टमाटर डाल दिए तो चलिए स्वाद अनुस्वाद इसमें हम नमक डाल दिए तो चलिए इसको चला देते हैं। दोस्तों मसाला बढ़िया से भुजा गया है, टमाटर भी गल गया है तो चलिए रस के लिए हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो बढ़िया से इसको चला देते हैं, बढ़िया से सभी मसाला पानी के साथ मिल जाएगा। मसाला बढ़िया से पक गया है, रस बन करके तैयारी हो गई है तो चलिए घास काट मछली फ्राई हम डाल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मूरा डाल देते हैं। मछली डाल दिए हैं तो चलिए इसमें बढ़िया से हम चला देते हैं। सभी मछली में मसाला बरोबर हो जाएगा और नमक भी बरोबर हो जाएगा। दोस्तों मछली बनकर के तैयारी हो गई है तो चलिए स्वाद के लिए मछली में धनिया पत्ता हम छीट देते हैं। और धनिया पत्ता मछली में छीटने से घास काट मछली बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए धनिया पत्ता छीट दिए हैं तो चलिए उतार करके नीचे रखते हैं। दोस्तों मछली बना लिए हैं तो चलिए मछली खाने के लिए चावल तो परसे हुए हैं तो चलिए मछली भी परोस लेते हैं। दोस्तों तो चावल मछली तो परोस ली है तो चलिए खा करके देखते हैं कैसा स्वाद बना। चावल मछली खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। ये वीडियो देखने में कैसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।